जय हिंद फ्यूचर ऑफ इंडिया पर आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में बात करेंगे हम लोग विशेष इंफोटेक्निक्स लिमिटेड, जिसको एमपीएस इंफोटेक के नाम से भी जाना जाता है, इस कंपनी के बारे में। मैं आपको बताऊंगा कि आपके पास इस कंपनी के शेयर है तो आपको कब तक होल्ड करने की जरूरत है, क्योंकि आप सभी जानते हैं कंपनी का शेयर प्राइस लगातार नीचे की तरफ ही जाते जा रहा है, और कब तक नीचे जाएगा ये मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। और कब से यहाँ पे आप देखेंगे एक इंपॉर्टेंट चीज, तो आपको पता लगेगा कि इसमें पहले से भी आपको पता होगा कि इसमें जो ट्रेडिंग है फिलहाल पे सस्पेंडेड कर दिया गया है, क्योंकि इसने अपना जो एनुअल लिस्टिंग फी होता है, जिसको शॉर्टकट में ALF कहते हैं, कोई भी कंपनी जब एक्सचेंज में लिस्ट होती है तो उसको एक्सचेंजेस के फी देने होते हैं, वो ये कंपनी फी नहीं दे पाई है। यानी कि एनुअल लिस्टिंग फी जो होता है इसका ड्यूज है, जिस वजह से इसमें सस्पेंडेड कर दिया गया है इस कंपनी का ट्रेडिंग सेबी के द्वारा और एक्सचेंजेस के द्वारा। तो ये एक नेगेटिव न्यूज है, और सभी जानते हैं कि शेयर मार्केट में न्यूज का काफी बड़ा इंपैक्ट होता है, और न्यूज के बेसिस भी कह सकते हैं कि अभी जो इसमें इसका जो शेयर प्राइस है आपको नीचे की तरफ जाते हुए दिख रहा है। हालांकि प्राइस नीचे जा रहा है, इसके पीछे और भी तमाम फैक्टर्स और रीजन जिम्मेदार है, मैं आके आपको बताऊंगा। लेकिन अभी कहना यह है कि आपको बस सब्र रखना है, अभी आपके पास इस कंपनी के शेयर तो घबरा के बेचना नहीं है, सब्र रखिए। मैं आपको बताऊंगा कब तक सब्र रखना है, और नए व्यक्ति के लिए जो इस कंपनी के शेयर को बाई करना चाहते हैं उन्हें क्या करने की जरूरत है, इसके बारे में भी समझेंगे। देखिए दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि विशेष इंफोटेक्निक्स लिमिटेड जो कंपनी है, ये जो काम करती है बेसिकली IT सेक्टर के लिए काम करती है, टेली कम्युनिकेशन सेक्टर में भी थोड़ी सी जुड़ी हुई है, लेकिन जो मेन जो रेवेन्यू आता है, मेजर रेवेन्यू, इस कंपनी का IT सेक्टर जुड़ी हुई है, और IT से रिलेटेड जो कंपनी काम करती है उसी से कंपनी का मेन कमाई होता है। पिछले कुछ समय में आप देखेंगे, जिससे मैं यहाँ पे आपको क्वार्टर्स के नंबर दिखाऊं, तो कंपनी के कमाई में कमी हुआ है, क्योंकि कंपनी के जो सेल्स है आपको देखेंगे यहाँ पे पिछले, हालांकि भी मार्च क्वार्टर रिजल्ट आने बाकी है, मैं पिछले क्वार्टर की बात कर रहा हूँ, यहाँ पे उसमें कमी आया है सेल्स में। जाहिर सी बात है, अब सेल्स में कमी आया है तो कंपनी का जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है, कंपनी प्रॉफिट में तो थी नहीं, पहले से लॉस में थी। यहाँ पे देख सकते हो ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करूँ, यह भी लॉस में था, और यदि नेट प्रॉफिट की बात करें जिसमें टैक्स वक्स देने के बाद कंपनियों के पास जो पैसा बचता है, तो ये तो और भी ज्यादा लॉस, और धीरे धीरे देखेंगे पिछले क्वार्टर के मुकाबले लॉस इस क्वार्टर में दिसंबर क्वार्टर में बढ़ा था, और अभी कंपनी के क्वार्टर फोर के नंबर आने बाकी हैं। क्वार्टर फोर के नंबर देखिए अनुमान है कि अच्छे आएंगे, नंबर अच्छे आएंगे तो जो कंपनी का एनुअल लिस्टिंग फी है जो अभी पे नहीं कर पाई है, वो कंपनी सबसे पहले पे करेगी रिजल्ट पब्लिश होते ही, और रिजल्ट पब्लिश होते ही जैसे एनुअल लिस्टिंग फी पे करेगी, ट्रेडिंग इसमें फिर से शुरू हो जाएगी। हालांकि शेयर मार्केट में देखेंगे तो बाजार में इसकी शेयर प्राइस में उछल पुछल हो रहा है, लेकिन जो मेन कहते हैं ना, ट्रेडिंग पूर्ण रूप से शुरू होगी, नए बायर्स इसमें आएंगे, नए बायर्स आएंगे तो कंपनी का क्या होगा, वॉल्यूम बढ़ेगा, वॉल्यूम बढ़ेगा तब कंपनी का जो शेयर प्राइस है धीरे धीरे करके ऊपर की तरफ जाएगा। तो आपके सबसे पहले इसमें कंपनी के, जैसे मैंने बताया, क्वार्टर फोर का नंबर आने दीजिए, क्वार्टर फोर के नंबर आने तक आपको इसमें बने रहना है, आपको घबराना बिल्कुल नहीं है। क्वार्टर फोर का नंबर जैसे यहाँ पे अभी मार्च क्वार्टर का दिख रहा है आपको, सॉरी दिसंबर क्वार्टर दिख रहा है, जब क्वार्टर फोर का नंबर आएगा तो यहाँ पे इसके बगल में मार्च क्वार्टर का भी रिजल्ट आ जाएगा, और वो रिजल्ट यदि अच्छा आता है और उसमें कंपनी के सेल्स आपको ज्यादा होते हुए दिखता है इसके मुकाबले, तो आप समझिएगा कि कंपनी ने इस बार बेहतर परफॉर्मेंस किया है। और उस बेहतर परफॉर्मेंस के मुकाबले जब आप चार्ट पर देखेंगे कि कंपनी का जो शेयर प्राइस है जो आपको दिखेगा यहाँ पे लगता है नीचे की तरफ जाते हुए, उसमें आपको सबसे पहले तो गिरावट, जो ये गिरावट आपको लगता है नीचे की तरफ दिख रहा है, इसमें ठहराव आएगा, और इसमें ठहराव आने के बाद फिर प्राइस यहाँ से ऊपर जाने के चांसेस रहेंगे। अभी टेक्निकल एनालिसिस के माध्यम से मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे समझाने की कोशिश करूँ। आप देखेंगे कि एक साल के चार्ट पर सब ठीक चल रहा था, ये जो इसके लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल था, प्राइस यहीं पर न था, इसी रेंज के बीच में आपको घूमते हुए नजर आ रहा था, लेकिन चूंकि दिसंबर क्वार्टर रिजल्ट भी अच्छा नहीं आया, प्लस जैसे मैंने बताया कि ALF यानी कि एनुअल लिस्टिंग फी भी कंपनी नहीं पे कर पाई, जिस वजह से इसमें ट्रेडिंग रिस्ट्रिक्टेड हो गया, सस्पेंडेड हो गया, तो इस वजह से यहाँ पर देखेंगे और इस जो सपोर्ट है, इंपोर्टेंट सपोर्ट लेवल, इसको भी प्राइस तोड़ के नीचे आएगी, क्योंकि जो बहुत से रिटेल निवेशक हैं वो मन में बैठा के ये चल रहे थे कि सब कुछ ठीक रहेगा, तो प्राइस चूंकि कंसल्टेशन रेंज में था, इसके बाद प्राइस ऊपर ही जाना था, प्राइस ऊपर ही जाता है रेंज अमाउंट से निकलने के बाद, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, प्राइस नीचे की तरफ आने लगा। तो आपको जैसे मैंने बताया क्वार्टर फोर नंबर आने तक वेट कीजिए, इसके बाद प्राइस जैसे यहाँ पे एक बार सपोर्ट लेगा, सपोर्ट लेके प्राइस ऊपर तक उठेगा, प्राइस एक बार ऊपर तक उठने दीजिए, उठ के प्राइस इस रेंज में आएगा, रेंज में आने के बाद फिर प्राइस यहाँ से ऊपर निकलेगा, और आपको सारे लॉसेज रिकवर होंगे, और आपकी जो मंशा है, जिस जो सोच के साथ आपने इस स्टॉक में इन्वेस्टमेंट किया है, वो भी आपकी पूरी होगी। प्लस अब इस कंपनी में यदि कोई नया व्यक्ति है जो इन्वेस्टमेंट करना चाहता है, तो उसे क्या करना चाहिए, सबसे पहले उसे वेट करना चाहिए। किस चीज का वेट करना चाहिए, एक तो उसे वेट करना चाहिए कंपनी के क्वार्टर फोर के नंबर आने के, नंबर क्वार्टर का ये नंबर आता है तो एनालिसिस कीजिए, उसके बाद देखिए कंपनी का चार्ट यानी कि जो टेक्निकल एनालिसिस है क्या बोलता है। जब चार्ट इसका रेंज बाउंड में आकर फिर से फंस जाए, जैसे यहाँ पे मैं आपको दिखाऊं, फंसे नहीं, फंसना नहीं कहेंगे इसको, वापस से इस प्राइस घूम के इसी एरिया में आ जाए, तब आप इसके बारे में बाई करने के बारे में सोच सकते हैं, अभी फिलहाल बाई करने के बारे में मत सोचिए। बाकी हम सभी जानते हैं कि ये एक ऐसा कंपनी है जिसमें रिटेल निवेशक का ही सबसे ज्यादा पैसा लगा हुआ है, क्योंकि पेनी स्टॉक है, पब्लिक प्रमोटर्स की हिस्सेदारी बहुत कम होती है, तो सोच समझ के काम करना है आपको, बाकी घबराने वाली कोई बात नहीं, मैंने आपको बता दिया है, आप भरोसा रखें। इससे रिलेटेड मन में कोई अन्य सवाल है, कोई कंफ्यूजन है, तो कमेंट में जरूर पूछिएगा, इंस्टाग्राम पर भी जरूर कर बातें कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक धन्यवाद, शुक्रिया।